नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, जो हम बात कर रहे हैं IASPT 2020 अर्थात 2020 के हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का, जिसमें है पहला सवाल है प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश, एंशिएंट इंडिया की बात कर रहा है। गुप्त राजवंश कहते ही इसका आपको टाइम दिमाग में रिकॉल हो जाना चाहिए और इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है अर्थात जो स्पेस है, ये आपके दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए। कहता है कि संदर्भ में नगर घंटशाला कदुरा और चौल किस लिए विख्यात थे। चार ऑप्शन दिया हुआ है। ए में विदेशी व्यापार के लिए बंदरगाह थे, बी में दिया है शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां, सी में दिया है उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान, और तीसरा लास्ट कह रहा है बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। इंग्लिश में पढ़ते हैं, विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया, द टॉन्स घंटशाला कदुरा एंड चौल वर नोन एज। ए ऑप्शन कहता है पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, बी कहता है कैपिटल्स ऑफ पावरफुल किंगडम, सी कहता है प्लेसेस ऑफ एक्सक्विजिट स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एंड द लास्ट डी ऑप्शन कहता है इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर, है ना, बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर है। ये चार ऑप्शन बता रहा है आंसर क्या होगा। इससे पहले एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कहता है कि जो गुप्ता पीरियड है उसमें बहुत सारे पोर्ट्स थे, तो कौन कौन सा पोर्ट थे, तो उसमें कहता है जो ईस्ट कोस्ट थे, जो पूर्वी तट था, उसमें गुप्ता पीरियड में ताम्रलिप्ति, घंटशाला एंड कदुरा कहता है हैंडल करता था नॉर्थ इंडियन ट्रेड को, किसके साथ, तो साउथ ईस्ट एशिया के साथ। उसके साथ साथ जो वेस्ट कोस्ट था मतलब पश्चिमी भाग था, उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्ट था, तो वरोज था, चौल, कल्याण एंड कैम्बे, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे। इनका जो ट्रेड होता था किन से होता था, तो मेडिटेरियन एंड वेस्ट एशिया से होता था। समझ में आ गया, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग भारत के जो तटवर्ती इलाके थे उनका गुप्ता पीरियड के समय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट थे, इसका इसमें इस दो पैराग्राफ में, इस दो लाइन में मेंशन कर दिया गया है, जिसमें हमको घंटसाल और कदुरा मिला और ये चौल मिला। यहां तक क्लियर। कहता है कि थोड़ा सा और जान लीजिए, एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे उस समय में हम, ये दिया है स्पाइस, पेपर, सैंडलवुड, पर्ल्स, प्रीसियस स्टोन्स, परफ्यूम्स, इंडिगो एंड हर्ब्स। साथ ही साथ जो हम इंपोर्ट करते थे वो चाइनीज सिल्क होता था एंड द आइवरी होता था, ठीक है। लेकिन एक बात और कह रहा है यहाँ पे कि उस समय में हम घोड़ा बहुत बड़े पैमाने पे इंपोर्ट करते थे, कहाँ कहाँ से, तो अरेबिया से, ईरान से एंड बैक्टीरिया से, है ना। किस, जब हमको लैंड रूट से करना होता था नॉर्थ वेस्ट एरिया में तो हम इधर से करते थे, या जब हमको समुद्री रास्ते से करना होता था वेस्ट कोस्ट पर तो हम इसी अरेबिया, ईरान और बैक्टीरिया से करते थे। कहता है इस समय में, खास करके गुप्ता पीरियड में, यह इंपोर्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। साथ ही साथ यह कहता है बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि इंडिया ने कभी भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी के घोड़े को खुद अपने यहाँ ब्रीड करने का कोशिश नहीं किया, अर्थात जो बेस्ट ब्लड जो है, द बेस्ट नस्ल का जो घोड़ा है उनका हमेशा भारत ने इंपोर्ट किया। इनका बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर कॉन्सिक्वेंसेस हुए, बहुत ही नुकसानदायक परिणाम हुआ कि भारत का जो इंडियन आर्मीज था उसका जो कैवेलरी आर्म था यह हमेशा से ही कमजोर रहा, इनइफेक्टिव रहा, और बाद में आने वाले समय में जो सेंट्रल एशिया से जो अटैक हुआ था तो सेंट्रल एशिया के जो हॉर्समैन थे उनका जो कैवेलरी था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, उसके तुलना में भारत का यह कैवेलरी वाला जो ब्रांच था इंडियन आर्मी का ये बहुत ही कमजोर रहा और इसका बहुत ही गंभीर परिणाम बाद में हमको देखना पड़ा। यही बात है। तो हमने कौन कौन सा पोर्ट कहाँ अवस्थित है ये हमने देख लिया। इसको हम थोड़ा मैप पे भी देख लेते हैं। तो ये जो मैप में आप देख रहे हैं ये घंटसाल है, इसमें ये कृष्णा रिवर है और ये तुंगभद्रा रिवर है, दोनों मिल जाती है, कृष्णा आगे बढ़ती जाती है, तो कृष्णा रिवर के आसपास ये घंटसाल है और ये गोदावरी रिवर है। यहाँ तक समझ में आ गया, कृष्णा रिवर के पास ये घंटसाल पोर्ट है, इसी साइड में कहीं कदुरा है। उसके बाद दूसरा मैप देख लीजिए, यहाँ पे ये चौल है, वेस्ट कोस्ट पे चौल है,
तो हमने ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं उनका इस दो मैप में आप देख लीजिएगा, तो ये आपका ताम्रलिप्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट गुप्ता पीरियड में। और इस तरह से पूरा आपका पूरा पोर्ट का आपको इसमें दिया हुआ है मैप में। तो इस दोनों पोर्ट दोनों मैप से आप कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पोर्ट थे इन सारे को देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जब कौन चीज कहाँ लोकेटेड है, लोकेशन किसका कहाँ पे है, इसको जब देख लेते हैं तब आपको उसे याद करना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो अब चलते हैं आंसर की ओर विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया द टॉन्स घंटसाल कदुरा एंड चौल वेर नोन एज। आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, ये पोर्ट्स थे और हैंडलिंग करते थे किसको, तो फॉरेन ट्रेड को। आंसर निकल गया तो आंसर ए, क्लियर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, अपना वैल्यूएबल कॉमेंट दें। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू डियर।